देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी मूंग दाल के चीले बनाए हैं। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम इनको टमाटर सॉस या हरी चटनी के साथ खाएंगे, खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी एक बार इनको जरूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आधी कटोरी मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने 3-4 घंटे भिगो दिया था। उसका सारा पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है, ये अच्छे से फूल गई है। 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ये ऑयल लिया है इनको फ्राई करने के लिए। 1/2 चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, 1/2 चम्मच नमक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये सारी दाल डाल देंगे। दाल को डालने के बाद 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, हरी मिर्च और ये अदरक डाल देंगे और ये धनिया की पत्तियां डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकती हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और ये मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। मैंने इसमें 1/2 कप पानी का यूज किया है और अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम बैटर में 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। हम नमक को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। और अभी अब बैटर हमें थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, उसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमें बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ, चीला बना लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके यहाँ पर एक तवा रखेंगे। मैंने यहाँ पर ये नॉन स्टिक तवा लिया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चीला के लिए नॉन स्टिक तवे का यूज करें, क्योंकि इसमें चीले चिपकते नहीं हैं। तवा हल्का सा गर्म हो गया है और अब हम इस पर ऑयल लगा देते हैं। और अब हम एक स्पून की सहायता से इस पर चीले का बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से इसको हम फैला देते हैं। चीला आप अपने हिसाब से थोड़ा छोटा या बड़ा बना सकती हैं। इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। और अब हम चीले को नीचे से अच्छे से सिकने देते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। चीले का कलर ऊपर से चेंज हो गया, यानी कि चीला नीचे से सिक चुका है। और अब उसमें थोड़ा सा घी ऊपर से लगा देते हैं। और अब हम चीले को पलट देते हैं तो एक स्पैचुला की सहायता से, और आप देख सकती हैं ये इसका कलर नीचे से कितना अच्छा आया है। इसी तरह से हम इसको और सिकने देते हैं। और अब हम चीले को फिर से पलट के चेक कर लेते हैं और आप देख सकती हैं दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक चुका है। और अब हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरा चीला भी सेक लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा ऑयल लगा के बैटर डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से सेक लेते हैं। हम इस पर भी थोड़ा सा ऊपर से घी लगा देंगे और अब हम एक स्पैचुला की सहायता से चीले को पलट देते हैं और आप देख सकती हैं ऊपर से अच्छे से सिक चुका है। और अब हम इसको दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं और ये चीला भी हमारा दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। और अब हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और ये हमारे बहुत ही टेस्टी दाल के चीले बन के तैयार हैं। आप इनको टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।